स्पेशल भी मैं हूँ आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे सूरजपुर की, जहाँ पर रामानुज नगर में कांग्रेस नेता की दबंगई का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि एक पुराने विवाद को लेकर कांग्रेस नेता ने बीजेपी मंडल अध्यक्ष और सांसद प्रतिनिधि के साथ मारपीट की, जिससे दो महिलाओं समेत चार लोग घायल हुए हैं। घायलों में एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। वही विवाद के बाद गाँव में तनाव को देखते हुए मारपीट के आरोपी को सूरजपुर थाने में रखा गया है। जानकारी के मुताबिक सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश उपाध्याय और कांग्रेस नेता अभय गुप्ता के बीच अब बीते पंचायती चुनाव से विवाद है, जो एक बार फिर किसी बात पर बढ़ गया और नौबत मारपीट पर आ गई। थाना आ रहे थे तो मारपीट कर रहे थे। थाना क्यों आए? क्या कुछ पहले भी कुछ बस स्टैंड में मारपीट हुआ था। किसके साथ? हमारे साथ दुकान में बैठती हूँ तो मारपीट किए थे वो। मेरे को बाहर ही बोलता है भाई, माँ बहनी गंदा गंदा गाली दिया, बोला कि तू बलात्कारी है, मैं तेरे को फर्जी केस में फंसाऊंगा, मैं तेरे को जेल भी भेजवा दूंगा। और पीछे से धक्का मुक्की मेरे को करने लगा। वहाँ पर मैं एक शब्द कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप था। चुपचाप होने के बाद मैं वहाँ से सीधे आया और मैं मैडम के कार्यालय के पास बैठ गया, रेणुका सिंह के। वहाँ पे मैं दो चार दस लोगों को बताया कि ऐसा ऐसा घटना है, मैडम को भी बताया, जिला के लोगों दोनों चारों पीड़ित को हम लोग अस्पताल में भर्ती कर दिए हैं। MLC उनका भरा जा चुका है और मौके पर ही उसमें FIR कर रहे हैं। अभय गुप्ता को एहतियातन सुरक्षागत कारणों से उसको दूसरे थाना में शिफ्ट किया गया है, उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अधिक जानकारी के दर्शन हमारे साथ जुड़ गए हैं। दर्शन, पहले से पंचायती चुनाव से विवाद यह चल रहा था, आखिर क्या फिर से बात हो गई जो इतनी तनातनी हुई और मारपीट पर उतारू हो गए कांग्रेस नेता? जी बताऊं जो की श्रीनगर जो रामानगर की बात की जाए तो यहाँ पे हमेशा ही कांग्रेस और भाजपा के बीच इस तरह से माहौल बनता रहता था, लेकिन कुछ दिनों से शांत भी चुनाव के बाद बात हो गया। उसके बाद जो तांस करने वाली बात होती थी, जो ताना मारने वाली बात होती थी, एक दूसरे को देख के कोई भी कुछ बोल देता था, इसको लेकर धीरे धीरे के बीच मन बटाव बढ़ते गया और कल आखिरकार लास्ट में हाथ से पकड़ा और मारपीट तक की नौबत आ गई। इससे लेकर दोनों पक्ष में जमकर मारपीट भी हुई और जिसके बाद वहाँ फिलहाल पुलिस ने पहुंची थी और पुलिस पहुंचने के बाद ही मामला को शांत कराया, नहीं तो मामला और भी बढ़ सकता था। जिस तरह से वहाँ पे हमेशा घटना इस तरह से होती रहती है। जी चलिए, आपको मैं रोकना चाहूंगी। सांसद जी हमारे साथ प्रकाश जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर सुन पा रहे हैं आप? जी सुन रहा हूँ। सूरजपुर की तस्वीरें हम देख रहे हैं, दबंगई का, जिस तरह से कांग्रेस नेता का ये पूरा मामला सामने आया, किस तरह से देखते हैं आप? जी मैं सूरजपुर के कार्यक्रम में था आर्यस के, उस कार्यक्रम के बाद मैं 5 बजे आया रामानुज नगर, सुभाष चौक पे सीधे उसने मुझे धक्का मुक्की करने लगा। मैं वहाँ पे कुछ नहीं बोला, बहुत मुझे को गाली उल्टा सीधा गाली गलौज भी किया और मैं वहां से चुपचाप चला गया। केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमती रेणुका सिंह जी का निवास है, उस निवास स्थान पे चला गया, वहां बैठ गया। जाने के बाद दो चार कार्यकर्ता लोगों को आपस में अपने लोगों को मैंने बताया कि अभय गुप्ता मेरे साथ धक्का मुक्की कर दिया। उसका कारण ये है कि वो जनपद का चुनाव लड़ा था और मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल का अध्यक्ष हूँ और संसद का प्रतिनिधि भी हूँ सूरजपुर जिले का, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होने के कारण बजरंग गुप्ता का प्रचार किया। अभय गुप्ता ने चुनाव हार गया, इसलिए वो मुझसे राजनीतिक द्वेष की रखता था। अब क्या चाह रहे हैं आप? जिस तरह से शिकायत भी दर्ज की गई है और उन्हें थाने भी ले जाया गया है, अब क्या चाहते हैं आप? नहीं, उसको थाने ले जाने के बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया। तो अब किस तरीके की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप? पुलिस ने भी छोड़ दिया तो एक आदिवासी सरपंच के साथ मारपीट किया, उसके बाद ही उसको पुलिस ने छोड़ दिया सूरजपुर ले जाके। वो महिलाएं कौन थी जो गंभीर रूप से घायल हुई है जयप्रकाश जी? वो वहीं पर की महिलाएं थी जिसको मेरे को मारपीट कर रहा था, तो बीच बचाव के लिए वो महिलाएं गई थी तो उसको भी उन लोगों ने मारा। बस जन पे दुकान करती है महिलाएं, तो उनकी तरफ से क्या शिकायत की गई? क्योंकि ये गंभीर मामला है, यहाँ पर देखा जाए महिलाओं पर भी हाथ उठाया गया है, महिलाएं भी गंभीर रूप से घायल है, नाजुक हालत भी बनी हुई है और आप पर भी हाथ उठाया गया है। किस तरह की रिपोर्ट ये लोग दर्ज करेंगे? आप जिस तरह से बता रहे हैं कि उन्हें छोड़ दिया गया है, थोड़ी देर थाने ले गए, ऐसा क्यों किया गया आखिर? पुलिस कांग्रेस के संरक्षण में है और कांग्रेस का वो कार्यकर्ता है और पुलिस दबाव में है जी, और उसके ऊपर जिला बदर की भी कार्रवाई हुई है जी। वो अद्यतन अपराधी है, 2013 में जनपद में घुस के सीओ को सीधे उसने मारपीट किया था, उसके चेंबर में घुसकर।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमने प्रमुखता से खबर दिखाई, उम्मीद करते हैं कि प्रशासन भी साथ दे और सही तरह से रिपोर्ट लिखे। लगातार हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं। आपने भी सुना जनप्रतिनिधि यहाँ पर क्या कहते हुए नजर आया। उनका साफ तौर पर कहना था कि संरक्षण जो है कांग्रेस का साफ तौर पर मिल रहा है, उसी वजह से उन्हें शय मिल रही है और कुछ ही देर में जो है रिपोर्ट दर्ज की, बैठाया और छोड़ दिया गया। क्या वाकई में ऐसा है? जी किलाड़ी, जब हम प्रभारी से बात करते हैं, उनका कहना कि मामले को दर्ज कर लिया है और जांच करें, उसके बाद इस पर कार्रवाई करने की बात को थाना प्रभारी ने किया है। फिलहाल उनको सूरज को लाया गया था और रात में उनको छोड़ दिया गया, बात सही है। लेकिन थाना प्रभारी के साफ तौर पर कहना है कि इसमें छोड़ा नहीं जाएगा, जिसमें जो भी दोषी होंगे जांच करने की बात कर रहे हैं, उसके बाद इस पर कार्रवाई करने की बात की जाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया दिलशाद जानकारी को साझा करने के लिए। उन्नाव के जिला अधिकारी देवेंद्र कुमार